Hello friends, welcome to Gardening with Knowledge Hub 2020. अक्टूबर महीने में लगभग सारे प्लांट्स लवर्स फ्लावरिंग प्लांट्स फूल और सब्जियों के सैपलिंग्स और सीड्स की परचेजिंग जरूर करते हैं। बरसात के बाद जहां एक तरफ हम अपने पुराने पौधों को फर्टिलाइज करके फिर से रिचार्ज करते हैं, वहीं ये भी चाहते हैं कि कुछ नए पौधे हमारे कलेक्शन में ऐड हो। इस महीने के पहली हफ्ते में ही मेरी दो बार प्लांट्स परचेजिंग हो गई है। मैं एक्चुअली गई थी प्लांट्स के सैपलिंग्स लेने के लिए। हमारे यहाँ आजकल एक नया प्लांट सेलर भैया आ रहे हैं। इनका अपना नर्सरी है करीब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। इनके पास प्लांट्स का काफी अच्छा कलेक्शंस है और रेट भी ये सही लगाते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत वैरायटी अभी तक नहीं आ पाया है, तब भी मैं कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की हूँ। तो आइए देखते हैं मैंने क्या क्या प्लांट्स लिया है। जीनिया के दो प्लांट्स खरीदी हूँ, दोनों व्हाइट कलर के। एक देखिए सिंगल पेटल और दूसरा डबल पेटल। ये दोनों मुझे 20-20 रुपए का पड़ा। गेंदा का 4 पौधा ली हूँ, अलग अलग रंग के और अलग अलग वैरायटी के। ये भी मुझे 20-20 रुपए का पड़ा। अभी मार्केट में गुड़हल के भी डिफरेंट कलर्स आने लगे हैं। मैं ये येलो कलर का मल्टी पेटल का पौधा ली हूँ। मुझे पेरेनियल पौधों में गुड़हल मतलब हिबिस्कस बहुत ही पसंद है। ये मुझे 50 रुपीस का पड़ा। एलिमेंडा का ये पौधा ली हूँ। कौन से कलर का फूल आएगा ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। इसमें पर्पल कलर का फूल आएगा बोलकर मुझे बेचा है, ये मुझे 40 रुपए का पड़ा। कनेर का भी एक पौधा ली हूँ। इसमें देखते हैं कौन सा कलर का फूल आता है। ऐसे तो बता रहे हैं कि इसमें रेड कलर का फूल खिलेगा। ये भी मुझे 40 रुपीस का पड़ा। विंटर्स फ्लावरिंग प्लांट्स में ये टोरेनिया के दो प्लांट ली हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा सा है, एक पिंकिश में और एक पर्पलिश में। दोनों बहुत हेल्दी प्लांट है। ये पौधा भी एकदम बुशी होता है। ये भी मुझे 20-20 रुपए का पड़ा। हाइब्रिड विंका का दो प्लांट ली हूँ, अलग अलग कलर्स के। विंटर में विंका में ढेरों फूल खिलते हैं और अगर आप इसको संभाल कर रखेंगे तब हमेशा के लिए ये पौधा आपके साथ रहेगा। ये भी मुझे 20-20 रुपए का पड़ा। प्लांट्स के अलावा कुछ सीड्स का भी परचेजिंग की हूँ मेरे किचन गार्डन के लिए। ये मूली का देखिए पैकेट 20 रुपए का पड़ा और ये ब्रोकली 30 रुपीस का पड़ा। सरसों फूलगोभी बंदा गोभी और गांठ गोभी का सीड्स ली हूँ 10-10 रुपीस का। मार्केट में दुकानदार आजकल बड़े पैकेट में से खुला भी बेचते हैं। ये देखिए कुछ पॉट्स का भी परचेजिंग की हूँ। पॉट्स का हमेशा शॉर्टेज बना रहता है। ये छोटे छोटे 6 इंच का पॉट सैपलिंग्स लगाने के लिए ली हूँ। ये मैं 10 पॉट्स ली हूँ, 15-15 रुपए का एक पड़ा। और ये दो पॉट्स 10 इंच का दो और 12 इंच के दो पॉट्स भी ली हूँ। इंच वाले मुझे 50 रुपए का पड़ा और 12 इंच का एक पॉट मुझे 70 रुपए का पड़ा। इस बार की शॉपिंग में मुझे विंटर्स प्लस प्लांट्स के सैपलिंग्स तो नहीं मिल पाया है। आइए देखते हैं मेरी दूसरी शॉपिंग में मुझे क्या क्या मिल पाया है।
इस बार फिर से दो गेंदे का पौधा ली हूँ और विंग का एक रेड कलर का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको भी मैं ले ली। इस बार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कुछ सैपलिंग्स तो मिले हैं। ये गेंदे का एक सैपलिंग ऐसे तो 7 रुपए में बेच रहे हैं, पर मैं बार्गेन करके 5-5 रुपए में ली हूँ। और ये एक क्राइसेंथेमम का या गुलदाउदी का सैपलिंग भी 5-5 रुपए में ली हूँ, 5 सैपलिंग। ये ऑरेंज कश्मीरी गुलाब का पौधा ली हूँ जिसमें देखिए ढेरों कलियां है। इसी वैरायटी का पिंक में और एक पौधा ली हूँ, दोनों ही बहुत हेल्दी पौधा है। विंटर्स में सीजनल फ्लावर्स के अलावा गुलाब भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। ये रेड कलर का एक और गुलाब का पौधा ली हूँ। एक रेड ऑलरेडी मेरे पास है, पर ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो मैं ले ली। तीनों गुलाब के पौधा मिला के मैं 150 रुपीज दी हूँ। इस बार मैं फिर से कुछ छोटे 6 इंच के गमले का परचेजिंग की हूँ। रोड साइड के फेरी वाले भैया से मैं कुछ प्लास्टिक के गमले भी खरीदी हूँ जो थोड़ा ब्रॉड साइज और हाइट कम का है। इसमें कुछ विंटर्स फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि पिटूनिया हो गया, टोरेनिया, जो फ्लावर्स के पौधे फैलती है, वो बहुत अच्छा दिखता है और ये मुझे बहुत सस्ता भी पड़ा। ये वाले गमले मुझे 40-40 रुपीज का पड़ा, ये मैंने 3 ली हूँ। ये वाले गमला मुझे 30-30 रुपीज का पड़ा और ये मैंने 4 खरीदी हूँ। ये देखिए ये जाली वाला टोकरी 3 ली हूँ हाइड्रोपोनिक प्रोपागेशन के लिए, ये मुझे 15-15 रुपए का पड़ा। और इसके नीचे पानी रखने के लिए भी मैं 3 टोकरी ली हूँ जो भी 15-15 रुपए का पड़ा। होप आपको मेरी शॉपिंग से कुछ आइडिया मिलेगा अपने शॉपिंग के लिए। प्लीज कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करने ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।